सोलन से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और सोलन से विकास मानो कोसों दूर छूट चुका है। जो कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में आरंभ हुए थे वह भी बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सोलन वासियों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। ये आरोप पूर्व कांग्रेस पार्षद अमन सेठी ने भाजपा पर लगाए हैं और कहा कि शहरवासियों को भाजपा ने काफी सपने दिखाए थे लेकिन आज तक उन सपनों को पूरा नहीं किया गया। चारों ओर चल रहे विकास कार्य ठप पड़े हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, शहरवासियों को पार्किंग की सुविधा नहीं मिल रही है, पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है, जिसकी जिम्मेदारी केवल भाजपा सरकार और जिला के नेता की है। पूर्व कांग्रेस पार्षद अमन सेठी ने कहा कि भाजपा सरकार और भाजपा के मंत्री केवल सपने दिखाते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। सोलन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सोलन अस्पताल में 10 चिकित्सक देने की घोषणा की थी, लेकिन इस बात को महीने गुजर चुके हैं, अभी तक एक चिकित्सक भी तैनात नहीं हुआ है। वहीं सोलन बाईपास का काम ठप पड़ा है। सोलन के रेलवे स्टेशन और बाईपास पर पार्किंग का निर्माण किया जाना था, जिसका पैसा आने के बाद भी काम आरंभ नहीं किया गया है। मैं आज भाजपा की हिमाचल की सरकार को सपनों के सौदागर सरकार एक करार देना चाहता हूं कि ये झूठे वादे करने में और जुमले छोड़ने में बिल्कुल ही माहिर है। इनको 100 में से 100 बटा नंबर देना चाहूंगा जुमलेबाजी में और झूठे वादे करने में। सोलन की जनता से जो इन्होंने भरपूर झूठे वादे करे जब इलेक्शन आए थे, जो कांग्रेस की सरकार में भी पैसा आया था, जो डीसी ऑफिस के पास पार्किंग का निर्माण होना था या ये वेंडर स्ट्रीट के लिए जो 80 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार में जो सैंक्शन कराए थे, वो कार्य भी आज कछुए की चाल में चल रहे हैं। जो काम 6 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए था, उसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था, उनको दुकानें मिलनी चाहिए थी वहां पे फड़ी वालों को, जिसके लिए हमने बहुत लड़ाई भी लड़ी, वो काम कार्य ही बंद पड़ा है। पार्किंग है डीसी ऑफिस के साथ, उसका कार्य कछुए की चाल पे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी सोलन शहर में 6 महीने में 2 बारी आ चुके हैं, वादा करके गए थे हम 10 डॉक्टर देंगे, कोई डॉक्टर नहीं है, एक्सरे की मशीनें बंद पड़ी हैं, टेस्ट बंद पड़े हैं। मतलब कि ये सोलन भाजपा के राजनीति अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं भाजपा के नेताओं से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी राजनीति के अखाड़े से बाहर निकलकर अपने अखाड़े में युद्ध बंद कर अपने ही अंदर आप सोलन के विकास के लिए आगे आए, और जो आपने वादे झूठे वादे करके जो आप सोलन की जनता से गए हो, आपको 2019 में उसको जवाब देना पड़ेगा। 2019 में जनता सोलन की आपसे जवाब मांगेगी और आपको ये सारे कार्यों का पूरा चिट्ठा ब्यौरा जवाब लिखित सहित देना पड़ेगा कि आपने एक कौन सा मील का पत्थर इस 8 महीने में लगाया या सोलन की जनता से कौन सा ऐसा वादा पूरा करा है।